अरे भाई, ये तो गजब हो गया। मतलब हमें तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा। आंखें छोड़िए, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि टेलीविजन की दुनिया में ऐसा हो सकता है। टीवी की परंपरा का आखिरकार क्या होगा भाई? ऐसा क्या हो गया? तेरी मेरी डोरिया में इतनी जल्दी मिल गए अंगद और साहिबा। मतलब दिख तो गए ना, साहिबा को अंगद दिख गया। अभी मिलना नहीं हुआ क्योंकि मिलने का मन बहुत किया साहिबा का, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। बट इट हैज स्टार्टेड। सालों बाद साहिबा की नजरों ने आज अंगद को देख लिया है। पहले तो समझ नहीं आया कि वो क्या करे, अंगद के पास जाए, उसे गले से लगा ले या फिर उसे ये कहे कि अंगद आप कैसे हैं। जी भर के उसे देखे, उससे बातें करे, ऐसा साहिबा सोच रही है अंगद को देखकर। वो दिखा है तो बहुत प्यार भी आया, बट जाने के लिए लगी भी, इमोशनल भी हुई कि अब कैसा है, ये है वो है, बट फिर याद आ जाता है अचानक से कि क्या हुआ था, घर से निकाल दिया था, बच्चा नहीं रहा तो क्या मुझे दुख नहीं हुआ। एंड फिर मैंने कॉल भी किया था, फिर उस पर भी यही जवाब कि साहिबा दोबारा कभी कॉल मत करना। तो इस सब चीज़ों का बहुत गुस्सा भी है कि 6 साल तक मेरी याद नहीं आई और जो भी है, तो फिर वही है, इमोशन भी है, बहुत याद भी आई, और क्योंकि आती रहती है आए दिन याद, तो और गुस्सा भी कि याद नहीं किया 6 साल से। लेकिन क्या अंगद भी साहिबा को जब देखेगा तो वो भी ऐसा ही कुछ सोचेगा? अब अंगद जब देखेगा तब देखेगा, फिलहाल अभी तो साहिबा ने देखा है। अस्पताल में वो अपने ही बेटे को लेकर आई है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर ये बेटा अंगद का है तो क्या साहिबा ये समझेगी कि अंगद ने दूसरी शादी कर ली है? अब कहानी क्या है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम ये बताएंगे आपको जो आप जानना चाहते हैं। इस साहिबा अभी इसी सदमे में रहेगी कि अंगद यही कहीं है। सोच सोच कर परेशान भी होगी कि अगर अंगद को इस बात का पता चला कि उसका एक बेटा भी है तो क्या अंगद दोबारा लौटेगा साहिबा के पास? ये सब कुछ अभी रिवील नहीं किया है कि आखिर है किसका बेटा, बट सब स्मार्ट हैं, सबको पता ही होता है कि क्या क्या है। एंड देखो कुछ होगा तो डोरी को ज्यादा ही उलझ गई है अभी सुलझाने में, शायद यकीर ही मदद कर दे कुछ। अब जिन फैंस ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा होगा ना, उन्हें साफ साफ पता चलेगा कि आगे कहानी किस दिशा में जाने वाली है। इसीलिए दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना, बस जो हो रहा है उसे देखते जाना। हम तो यही कहेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।